इस अवस्था में गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करना ठीक है क्या, इसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञों महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, यह हमारा मिशन है। आजकल क्या है कि गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है तो वो मॉडर्न नहीं माना जाता, मतलब वो तो नॉर्मल है, कॉमन है। लड़कियों को घुमाना, उनके हाथ में घूमना फिरना बहुत ही कॉमन हो गया है। गर्लफ्रेंड नहीं है या बॉयफ्रेंड नहीं है तो वो मॉडर्न नहीं, ऐसा माना जाता है ना। एक लड़का मेरे पास में है, काफ़ी डिप्रेस्ड, कश्मकश, क्या करूँ, गर्लफ्रेंड को रखूँ, कंटिन्यू करूँ कि छोड़ दूँ। इतना पॉजेसिव वो हो गया था, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया था, समझ भी नहीं आ रहा था उसको करना क्या है। बहुत ही रेस्टलेस, एंग्शियस, नर्वस, डिप्रेस, सैड, मतलब हुआ क्या। तो बोले, मैं पिछले 1 साल से एक लड़की के साथ में मेरी डेटिंग चल रही है, हम घूम रहे फिर रहे, मगर वो लड़की ऐसे है कि पहले से ही वो 2-3 लड़कों के साथ में वो और भी घूमती फिरती रहती है। मुझे पहले मालूम नहीं था कि ऐसा है करके, जब मेरे साथ में वो संपर्क में आई। बाद में धीरे धीरे मालूम पड़ा कि भाई वो और भी जाती किसके साथ में, पिक्चर में, मूवी देखने के लिए, कहीं होटलिंग और भी कोई लड़के साथ में करती है, किसने बोल दिया चलो घूमने चले जाती है। तो उसको जब मैंने पूछा, बोले उसमें क्या है, प्रॉब्लम है, मुझे लोग पूछते चलो तो मैं जाती हूँ, मैं कंपनी देती हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है, आपको नहीं क्या, अलग अलग मित्र दोस्त, तो जैसे अलग अलग बॉयफ्रेंड मतलब मेल टू मेल फ्रेंड्स है, वैसे फीमेल टू मेल भी फ्रेंड बहुत हो सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसी वो स्वच्छंदी थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था घूमने फिरने में, लड़के खर्चा कर रहे पैसे तो उसको क्या है। मगर ये जो मेरे पास में लड़का है, उसको ये प्रॉब्लम है कि जब वो उसका कॉल लेती नहीं है, जब वो उसको व्हाट्सएप करती नहीं है, जब ये रिंग करता है और वो यदि उसका फ़ोन एंगेज आता है, तो इसका तो दिल ठिकाने पर रहता ही नहीं कि अभी वो किसके साथ में हो, अब कहाँ घूमती होंगी, अब क्या करती होंगी। मतलब उसको पल पल धीरे धीरे इतना बढ़ते गया कि उसको पल पल अभी मतलब कैसा जीना उसको प्रॉब्लम हो गया था। वो जब उसको पूछा, कॉल किया, तो वो कॉल लेती है, बिजी होंगी तो नहीं लेंगी, मगर कॉल लेती है, उसने बोला चलो घूमने जाते तो इसके साथ में भी आएंगे, ऐसा भी नहीं है। मगर ये सोच रहा था कि मैं तो इसके साथ में शादी करूँगा आगे चल के, अच्छी लड़की है, मुझे तो बहुत पसंद है, मतलब इसके मन में बात है शादी की कि आगे चल के मैं शादी करूँगा। वो लड़के के दिमाग में शादी की तो बात ही नहीं है, वो तो घूमना फिरना चाले उसका, कोई कोई भी लड़के के साथ में उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने बोला भाई सफ़र कौन हो रहा है, सफ़र तो तुम हो रहे, बार बार तुमको विचार आ रहा है, तुम अभी पढ़ाई करने के दिन है, अभी एग्ज़ाम तुम्हारी आ रही है, तो अभी पढ़ाई करने के दिन है, अभी सफ़र कौन हो रहा है इसमें। तो लड़की को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो तो बस टाइम पास कर रही है सब लड़कों के साथ में, घूम रही फिर रही, उसके पैसे खर्चा कर रहे लड़के लोग, उनको मजा आ रही, इसको मजा आ रही। तो जैसे और 4 लड़के हैं उसके जीवन में, वैसे आप 5वें होंगे, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको नहीं चलता हो तो आपको ब्रेकअप करना पड़ेगा। बोले नहीं, मैं ऐसा कैसा, मैं सोच भी नहीं सकता ब्रेकअप करने का, मुझे तो ऐसा हो गया कि थोड़ा भी उससे बात, मतलब ऐसा रेस्टलेसनेस होता है कि मैं यदि बात ना करूँ, ऐसा लगता है कि अभी मैं पढ़ाई नहीं कर सकूंगा, कुछ भी नहीं कर सकूंगा। यदि मैं उससे उसके साथ में बात भी करता हूँ ना एक बार, या मिल भी लेता हूँ, तो मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है, बस 5 मिनट 10 मिनट भी बात कर दिया। तो मैंने बोला कि भाई ऐसा हो गया कि अभी आपका उसका रिश्ता ऐसा हो गया है कि उसमें काफ़ी सारा ब्रेन में एक्साइटेटरी हॉर्मोन सिक्रेट होते हैं, जब आप मिलते हैं तो आपको उसमें किक मिलती है और फिर बाद में आपका दिन अच्छा जाता है। वो नहीं मिलती है, शक आता है, डाउन हो जाते हैं, सब डोपामिन सेरोटोनिन लेवल्स नीचे, घबराहट, बेचैनी, अभी वो क्या कर रहे होंगे और दिन पूरा वेस्ट। तो ऐसे इसमें आप कैसे जियोगे, आपको करना क्या है, आपका मकसद क्या है, आपको माँ बाप ने कॉलेज भेजा हो, काहे के लिए भेजा हुआ है, ये करने के लिए भेजा है। बोले वो तो ठीक है अभी, मगर अभी मौका आ गया कि मुझे रहा नहीं जाता। उसको मैंने काफ़ी बार काउंसिलिंग के लिए बुलाया, काउंसिलिंग सेशन दिया, मतलब आपको एक बार अभी डिसीजन लेना पड़ेगा, एक तो उसने बंद करना चाहिए ऐसा आपको लगता है, तो आपने सीधी बात करना चाहिए कि तू बंद कर दे, उसने वो ना बोला हुआ है, और नहीं तो आपको उसके साथ में बंद करना पड़ेगा रिश्ता। आप देखो अभी आपका चॉइस है, आप क्या करोगे। बोले मुझे ही बंद करना पड़ेगा, और मैंने बोला आप बंद करोगे तो आपको तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी, क्या आप तैयार है। जैसे एक आधा आदमी शराब छोड़ता है, शराब इतना बंद करता है, बहुत तकलीफ होती है, विड्रॉल सिम्टम आते हैं, आपको भी तकलीफ होगी, मगर आपका यदि लाइफ आपको बनाने का है, फ्यूचर बनाने का है, तकलीफ सहन करनी पड़ेगी, क्या आप तैयार है। बोले बिल्कुल तैयार हो, मतलब बहुत अच्छा है। उसको काउंसिलिंग सेशन में, कोई उसको हिप्नोसिस के सेशन दिए, मैंने सेल्फ हिप्नोसिस सिखाया उसको, मेडिटेशन सिखाया, धीरे 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 उसने उसके साथ में संबंध तोड़ दिए। मतलब चॉइस आपका, और भी आप कहीं कर सकते रिश्ता, उसमें क्या प्रॉब्लम है।
फिर उसको मैंने एक ऐसा जब उसको पूछा कि नहीं उससे रहा नहीं जा रहा है, मैंने उसको एक सजेशन दिया, मतलब क्या आप शादी कर सकते हो अभी? बोले हाँ, घर से एक और एक लड़की का रिश्ता आया हुआ है और वो बोल रहे हैं कि भाई लड़की अच्छी है, मुझे भी वो ऐसी पसंद है, लड़की अच्छी अच्छे घर की है, तो मगर बोले मेरी अभी उम्र नहीं है शादी करने की। मतलब भाई अभी शादी करने की उम्र नहीं, और आप शादी करते हो तो कम से कम ये दिमाग विचार निकल जाएंगे। देखो आपका चॉइस है, करना क्या, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा नहीं, सोचो आप। बोले मैं सोचूंगा करना क्या है। तो 6 महीने बाद में मेरे पास में आए, दोनों भी हस्बैंड वाइफ आए, बोले मैंने शादी कर लिया और अभी बहुत अच्छा चल रहा है, एक दूसरे के प्रति हम बहुत प्यार करते हैं, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है और एकदम मस्त चल रहा है। तो ये वीडियो आप लोगों को शेयर करो, ये बहुत लोगों को ऐसा प्रॉब्लम है, और ये यदि आप शेयर करते ना आपके ग्रुप में, स्पेशली लड़कों को, किशोर अवस्था में जो बच्चे, उनको उनको बहुत इसका फ़ायदा हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।